पुणे में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहाँ कुछ मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया। पुणे के केसनंद इलाके में रहने वाले 75 साल के बुजुर्ग शेखू श्री सागर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। श्री सागर अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। उनके परिवार वाले यानी उनके अन्य सदस्य नागपुर के पास रहते हैं। लॉकडाउन के कारण वो पुणे आने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में रहीम शेख नाम के शख्स ने मोहम्मद पठान, अप्पा शेख, आसिफ शेख, सद्दाम शेख, अल्ताफ शेख और साहब राव जगताप के साथ हॉस्पिटल जाकर बुजुर्ग का शव लिया और हिंदू रिवाज से अंतिम संस्कार भी किया। चारों मुस्लिम युवक कंधे पर शव को उठाकर राम राम सत्य है कहकर पहुंचे। यहां शमशान भूमि में चीता की लकड़ी भी उन्होंने ही सजाई थी। बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने वाले रहीम शेख ने बताया कि इनके परिवार के सदस्य रोजी रोटी के लिए शहर से बाहर रहते हैं। यहां सिर्फ वो और उनकी पत्नी रहते थे। लॉकडाउन की वजह से ये वहाँ आ नहीं सके, इसलिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अन्य लोग उनके पास नहीं आ रहे थे। हम सभी इनके बेटे की उम्र के हैं, इसलिए हमने ये फ़र्ज निभाते हुए इनका अंतिम संस्कार किया और अल्लाह की ओर से ये संदेश दिया गया है कि बुरे वक्त में किसी की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।